इधर बिलासपुर के बगरपारा रोड स्थित किम्स अस्पताल में स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। किम्स अस्पताल प्रबंधन ने स्वतंत्रता दिवस को मरीजों और हॉस्पिटल स्टाफ के साथ सेलिब्रेट किया। यहां खास बात यह रही कि भारतीय नेवी सेना के रिटायर्ड सैनिक पीटी ऑफिसर अरुण कुमार राय ने ध्वजारोहण किया। अरुण कुमार गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और किम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। किम्स के डायरेक्टर डॉक्टर वाई रविशेखर ने रिटायर्ड सैनिक पीटी ऑफिसर का सम्मान के साथ उन्हें आदर भाव दिया। उन्होंने ध्वजारोहण के बाद अरुण कुमार राय का शॉल और शीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। रिटायर्ड सैनिक पेटी ऑफिसर राय ने कहा कि भारतीय नेवी सेवा में 6 दिसंबर 1962 को भर्ती हुआ। 24 वर्षों तक नेवी में रहकर मैंने देश की सेवा की। इसमें चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में महती भूमिका अदा की। कार्यक्रम में किम्स अस्पताल के डॉक्टर, स्टाफ, मरीज, उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहे। छह दिसंबर 1962 को भारतीय नौसेना में भर्ती हुआ था। मैं नौसेना में 24 साल नौकरी किया और इस दौरान विभिन्न ट्रेनिंग और विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़ा रहा। आप सभी को 77वें स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज किम्स हॉस्पिटल परिसर में हमारे साथ मिस्टर अरुण कुमार हैं, जो एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान युद्ध में भारत की अपनी सेवाएं दी थी और झंडा फहराने का यह अवसर आज उन्हें प्राप्त हुआ।